हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन क्राफ्ट। आज हम बनाएंगे चिकन शाही कोरमा, जिसके लिए लिया है हमने 2 किलो चिकन। इसको हमने अच्छे से साफ करके लिया है। अब हम इसके अलग अलग मसाले रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने एक बोल लिया है, इसमें हमने प्याज फ्राई किया हुआ, 2 से 3 प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करके ब्लिस्ता बना के लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 20 से 25 काजू और 200 ग्राम दही। इसको अच्छे से हमें मिक्सर में पीस के फाइन पेस्ट बना के लेना है। दूसरे बोल में हमने लिया है दही, अब इसमें हम सारे पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड करके रख देंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको हम अभी साइड करेंगे। हमने एक बड़ा बर्तन रख दिया है, इसमें हमने तेल और घी दोनों ऐड किए हैं। हमने इसमें देसी घी ऐड किया है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम अच्छे गरम मसाले ऐड करेंगे, लौंग, इलायची, दालचीनी, स्टारफुल और बड़ी इलायची। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पाउडर मसाले बना के रखे थे बोल में, वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले को तेल में। हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद हमें इसको 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक के रखना है, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पके और तेल हमारा अलग हो जाए मसाले से। हमने इसे वापस और 5 मिनट के लिए रख दिया है। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, इसीलिए हमें स्लो फ्लेम पे इसको मसाले को पकाना है। अब हमारा मसाले से तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, ये हमने 2 किलो चिकन लिया है, इसके लिए हमने इसमें पाउडर मसाले और बाकी चीज़ें इसके क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसमें डाला है। अगर आप 1 किलो चिकन लेते तो आप इसके आधे मसाले इसमें ऐड कर देना। टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन को हमने अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे चिकन को। चिकन हमारा पक रहा है, बिल्कुल दही, हमने बिल्कुल इसमें पानी ऐड नहीं किया है, ये सारा दही का पानी छूटा हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमने पेस्ट बना के रखा था, प्याज, दही और काजू का, हमने इसको ऐड कर दिया इसमें। हम अभी इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमें ग्रेवी को ज़्यादा पतला न थिक बनाना है, ये हमें पाव या नान पाव के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है, हम इसके साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
अब हम इसे स्लो फ्लेम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हो गए, चिकन अभी हमारा पक गया है। अब हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये हमें लास्ट में ऐड करना है। केवड़ा एसेंस, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा अदरक जिसको हमने पतला लंबा काट के डाला है, हरा धनिया और प्याज फ्राई किया हुआ। हमारा शाही चिकन कोरमा रेडी है। इसे आप नान या नान पाव के साथ ज़रूर बनाइए और खाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।